रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नथाय सीताया पते नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के ज्योतिष का कार्य मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का फरवरी 2022 का मासिक राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, कैसे बदलाव लेकर आएगा, सभी विषय पर आज हम जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा फरवरी के महीने में। दोस्तों, फरवरी के महीने में सूर्यदेव 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को मंगल और शुक्र दोनों धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आएंगे। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति फरवरी के महीने में कुछ इस प्रकार से रहेगी। सेकंड हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस में मंगल के साथ में शुक्र, टेंथ हाउस में शनि बुध सूर्य, इलेवेंथ हाउस में देव गुरु। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, राशि के मालिक कौन बनते हैं, मंगल देव जाके बैठे नाइन्थ हाउस में शुक्र के साथ में। दोस्तों, मंगल की जो पोजीशन है नाइन्थ हाउस में त्रिकोण में काफी अच्छी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस और साहस अच्छा देखा जाएगा क्योंकि मंगल देव नाइन्थ हाउस में त्रिकोण में बैठे हैं देव गुरु के घर में, यानी कि आपकी स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी वो भी सही होती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, पंचम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव जाकर बैठे हैं टेंथ हाउस में शनि के साथ। दोस्तों, शिक्षा में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी कि आपको फोकस करना होगा, आपको अपने माइंड में फोकस लेकर आना होगा, नहीं तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। सूर्यदेव हालांकि केंद्र में जरूर है लेकिन शनि के साथ में बैठे होने से पढ़ाई से मन डाइवर्ट कर सकते हैं आप फरवरी के महीने में। ध्यान रखना आपका लव रिलेशन कैसा होगा, फिफ्थ हाउस ही होता है लव रिलेशन का। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्यदेव शनि के साथ में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, काफी मिक्स देखा जाएगा। सूर्य के साथ में शनि जो आपके पार्टनर है उनके नेचर में गुस्सा भी देखा जा सकता है, यानी कि उनका जो माइंड है वो कभी कभी अप एंड डाउन देखा जाएगा आपको, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से प्रॉब्लम होगी लेकिन वापस से ठीक भी हो जाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। जो व्यक्ति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं आपसे, संतान पक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम में है और गुरु की दृष्टि इसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी है, तो संतान पक्ष मजबूत देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि सेवंथ लॉर्ड बनते हैं शुक्र और शुक्र है भाग्य स्थान जैसा आप देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि सेवंथ हाउस में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा देखा जाएगा। जो काफी टाइम से वैवाहिक जीवन इल्लीगल चीजों से परेशान थे, अपने रिलेशन को लेकर परेशान थे, तो ये फरवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपका भाग्य, आपका करियर ये कैसा होगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य के मालिक बनते हैं देव गुरु जो कि बैठे हैं इलेवंथ हाउस में, करियर के मालिक बनते हैं शनिदेव जो कि करियर में ही बैठे हैं। भाग्य में वृद्धि तो करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं यहां पर जॉब मिलने की संभावनाएं भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि गुरुदेव इलेवंथ हाउस में बैठे हैं, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने अपने वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा। पॉलिटिक्स नहीं करनी है आपको, आपको भी पॉलिटिक्स नहीं करनी और पॉलिटिक्स में पड़ना भी नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सूर्यदेव टेंथ हाउस में है, जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं चाहे फिर बिजनेस में हो, चाहे फिर आपकी खुद की फैक्ट्री हो, चाहे आप नौकरी करते हो, वहां पर किसी से भी आपको उलझना नहीं है बिना वजह की बातों पर, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो अनएम्प्लॉयड है, जो कि अनएम्प्लॉयड है या फिर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो क्यों, क्योंकि देव गुरु इलेवंथ में है, मंगल देव अभी उच्च के हो जाएंगे 27 तारीख को,
तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। वही अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो सेकंड हाउस में राहु है, ये सडनली खर्चे भी करवा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी लेकिन सडनली खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे और फैमिली वालों के साथ में सडनली आर्ग्यूमेंट भी देखा जा सकता है, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों सुबह सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि राशि के मालिक है मंगलदेव। हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र आप जरूर करें। ओम श्राम श्रीम स्रोम स चंद्रमसे नमः, ये मंत्र है। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।